बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी? आज मैं बना रही हूँ चने की दाल और गोश्त। गोश्त लिया है मैंने 1 किलो, चने की दाल ली है 1/2 किलो। अब इसे मैं खुले बर्तन में डाल के और आधे घंटे भिगो के रख दूँगी। हरा धनिया 2 दरमियानी साइज़ के प्याज हैं, अदरक है, टमाटर 1 बड़े साइज़ का था मेरे पास तो मैंने 1 ही ले लिया। अगर आपके पास छोटे साइज़ के हैं तो आप 2 ले लें। 6 से 7 हरी मिर्च, लहसुन, ऑयल 1 कप, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 चम्मच, नमक अब अपने टेस्ट के हिसाब से, हल्दी 1 चम्मच और पिसा हुआ गरम मसाला 1 छोटा चम्मच। जी अब हम बनाना शुरू करेंगे। दाल को मैंने जो है वो भिगो दिया है 1/2 घंटे के लिए। इतनी देर में मैं गोश्त ऊपर रख लेती हूँ, चूल्हे पे चढ़ा लेती हूँ। सबसे पहले ऑयल डालो, प्याज डालेंगे बारीक काट लिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसका कलर चेंज करना बस थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं जी। व्यूअर्स, प्याज का कलर हो चुका है चेंज, अब मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब गोश्त को भी 5 से 7 मिनट जो है वो प्याज के साथ फ्राई करेंगे और इतने में मैं अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट बना लेती हूँ, उन्हें ब्लेंड कर लेती हूँ जी। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और टमाटर मैंने कर लिया था ब्लेंड, तो मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दो ताकि ये अच्छी तरह साफ हो जाए। जी अब मैं डालूंगी सुरख मिर्च, हल्दी और नमक। इसे मैंने अदरक लहसुन के साथ भी भून लिया। अब मैं इसमें डालूंगी 2 ग्लास पानी और अब रख देंगे इसको ढक के गोश्त को गलने के लिए दरमियानी आंच पे। व्यूअर्स, दाल को मैंने भिगो लिया था 1/2 घंटे के लिए। अब मैंने इसे सॉस पैन में डाल लिया और उतने ही मैंने खुला पानी डाल लिया और इसमें डालूंगी 1 छोटी चम्मच नमक की और 1 छोटी चम्मच हल्दी की और इसे रख देंगे हम बॉयल होने के लिए चूल्हे पे। व्यूअर्स, गोश्त तकरीबन पक चुका है, अब थोड़ा सा पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको भून लेंगे अच्छे से और गोश्त गल भी गया है। तकरीबन पौन घंटा मैंने इसे पकने के लिए रख दिया था। दाल भी बॉयल हो रही है, अब मैं जो इसके ऊपर झाग आई है ये मैं उतार देती हूँ। तकरीबन गल चुकी है थोड़ा सा। जी व्यूअर्स, गोश्त तो हमारा तैयार है बिल्कुल, अब दाल को देखते हैं कि दाल में कितना टाइम है अभी और उसके गलने में। इसका कर देते हैं चूल्हा हल्का। हाँ जी, दाल देख लेते हैं। हाँ जी, दाल भी बिल्कुल गल चुकी है, ज़बरदस्त हो चुकी है तैयार। जी अब मैं दाल जो सी पानी के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
15 मिनट तकरीबन जो से ना इसे पकने देंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि और पानी इसमें डाला जाए तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप पानी डाल दें, मेरे हिसाब से तो ये ठीक है बिल्कुल। दाल बॉयल हो चुकी है, अब पक रहा है सालन। अब मैं डालूंगी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और ये 10 से 12 सुरख साबुत मिर्च है, ये डाल देंगे। और थोड़ी सी मैंने बीज निकाल के हरी मिर्च काट ली है ऐसे, ठीक है, ये इसमें डाल देंगे। इसे मज़ीद 10 मिनट पका लेंगे। अब ये व्यूअर्स, दाल गोश्त तो हमारा हो चुका है तैयार, अब मैं कर लेती हूँ चूल्हा बंद। जी अब करते हैं डिश आउट इसे। जी व्यूअर्स, दाल गोश्त हमारा रेडी है, चने की दाल और गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त बना है। और अब मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाल देती हूँ। जी अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़।